दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल के अंदर। दोस्तों आज हम जानेंगे मध्य प्रदेश में अपन द्वारा डायरेक्टली पूछ ली जाने वाली विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में। दोस्तों विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा के सहयोग से किया था। पहला सम्मेलन राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा के अध्यक्ष उपराष्ट्रपति वीडी जत्ती जी के सहयोग से नागपुर महाराष्ट्र में हुआ। दूसरा सम्मेलन पोर्ट लुई मॉरिशस में 28 से 30 अगस्त 1976 के मध्य हुआ। तृतीय विश्व हिंदी सम्मेलन नई दिल्ली भारत में 28 से 30 अक्टूबर 1983 के मध्य हुआ। चतुर्थ विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करें तो पोर्ट लुई मॉरिशस की राजधानी में 2 से 4 दिसंबर 1983 को सम्पन्न हुआ। पाँचवा विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करें तो यह 4 से 8 अप्रैल के बीच 1996 में त्रिनिदाद टोबैगो में सम्पन्न हुआ। छठवां विश्व हिंदी सम्मेलन लंदन की राजधानी ग्रेट ब्रिटेन में 14 से 18 सितंबर 1999 को सम्पन्न हुआ। दोस्तों विश्व हिंदी सम्मेलन भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के विकास के लिए यह एक अथक प्रयास मील का पत्थर साबित हो रहा है। इसकी संरक्षक की बात करें तो दोस्तों यह भारत सरकार के संरक्षण में आयोजित होता है। दोस्तों डायरेक्टली व्यापम द्वारा पूछ लिया जाता है कि चतुर्थ विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ, पांचवा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ, इसमें से प्रथम और द्वितीय चतुर्थ इनको ध्यान में रखिएगा। वैसे सभी विश्व हिंदी सम्मेलन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछ लिया गया है डायरेक्टली कि कब हुआ कहाँ हुआ विश्व हिंदी सम्मेलन। सातवां विश्व हिंदी सम्मेलन पारामारिवो सुरीनाम में 6 से 9 जून के बीच 2004 में आयोजित किया गया। आठवां विश्व हिंदी सम्मेलन न्यूयॉर्क अमेरिका में 13 से 15 जुलाई 2007 में आयोजित किया गया। नौवां विश्व हिंदी सम्मेलन जोहान्सबर्ग की जो कि दक्षिण अफ्रीका में है 22 से 24 सितंबर के बीच 2012 में आयोजित किया गया। दसवां विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करें तो यह 10 से 12 सितंबर 2015 को भोपाल में आयोजित किया गया। तो दोस्तों यह भी कई बार विश्व हिंदी सम्मेलन दसवां कहाँ आयोजित किया गया यह पूछा गया है, इसलिए ध्यान रखिए। ग्यारहवां विश्व हिंदी सम्मेलन पोर्ट लुई मॉरिशस में 18 से 20 अक्टूबर 2018 के बीच आयोजित किया गया। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन हाल ही में सुबक जो कि फिजी की राजधानी है 15 से 17 फरवरी 2023 को आयोजित किया गया। दोस्तों 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन की शुभारंभ भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने फिजी देश की राजधानी सुबक में आयोजित किया। दोस्तों 17 फरवरी को ही हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने फिजी देश की राजधानी सुबा में ही जो भारत सरकार का सरकारी दफ्तर है भारत भवन वहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा का अनावरण किया, इसलिए ध्यान रखिएगा। यदि पूछ लिया जाए कि किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण हाल ही में किया गया है या विदेश मंत्री जयशंकर जी द्वारा किया गया है तो दोस्तों फिजी देश की राजधानी सुबा में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन हाल ही में संपन्न हुआ है इसकी थीम यदि पूछ ली जाए तो दोस्तों इसकी थीम है पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस वर्ष 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की थीम है। दोस्तों अगला 13वां विश्व हिंदी सम्मेलन कब होगा यदि पूछ लिया जाए तो दोस्तों 13वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2026 में आयोजित किया जाएगा। आप देख रहे होंगे 23 वैसे लगभग हर 3 वर्ष में आयोजित अब करने लगे हैं। प्रारंभ में अंतराल रहा है दोस्तों, इसे आप अवश्य ध्यान में रखें कि कौन सा विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ। दोस्तों आपने वंदे भारत एक्सप्रेस परियोजना का नाम सुना ही होगा। दोस्तों अब तक
अर्थात 23 फरवरी तक, 2023 तक भारत में 10 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन हो चुका है। पहली ट्रेन है नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चली, दूसरी नई दिल्ली से कटरा के मध्य, तीसरी भारत वंदे एक्सप्रेस मुंबई से गांधीनगर के बीच संचालित की गई, चौथी नई दिल्ली से ऊना के बीच, पांचवी मैसूर से चेन्नई के बीच, छठवीं नागपुर से बिलासपुर के बीच, सातवीं है हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच, आठवीं है सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम, नौवीं वंदे एक्सप्रेस भारत वंदे एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन कुछ दिनों पहले मुंबई से सोलापुर, और दसवीं का मुंबई से साई नगर शिरडी के लिए मेट्रो ट्रेन भारत वंदे एक्सप्रेस को संचालित किया गया। इसलिए अगर यदि पूछ लिया जाए कि नौवीं या दसवीं या पाँचवीं वंदे भारत एक्सप्रेस किन शहरों को भी चली, तो इसे ध्यान रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञान विधा को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आप टेलीग्राम में भी जाकर हमारे चैनल ज्ञान विधा को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।